और चलिए स्पीड न्यूज में अब आगे बढ़ेंगे खबरों की सुपरफास्ट बुलेटिन के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूपी की तस्वीर बदल रही है। इससे पहले सीएम योगी ने कहा कि एक्सप्रेसवे समृद्ध बुंदेलखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास के ऐतिहासिक गति का कारक बनेगा। बाढ़ का कहर, 270 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, एमपी में भारी बारिश से और बाढ़ का कहर, अब तक 270 से ज्यादा लोगों की मौत। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा ऐलान, गरीबों को मुफ्त दी जाएगी 100 यूनिट बिजली। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का भी फैसला। मूसलाधार बारिश का सबसे ज्यादा नुकसान गुजरात में देखने को मिल रहा है। राज्य के 8 जिले भारी बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हालात ये हैं कि एनडीआरएफ की 25 टीमें राज्य में तैनात कर दी गई है, जिसमें 5 टीमें उड़ीसा से गुजरात शिफ्ट की गई। मौसम विभाग ने बताया कि 16 से 18 जुलाई तक यूपी के कई हिस्सों में तेज बारिश होगी। उत्तराखंड में भी बारिश हो सकती है। 18 जुलाई को उत्तराखंड, यूपी और बिहार में बारिश की संभावना है। तो वहीं राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में बारिश से ठंडी हवा चलने से तापमान में आई गिरावट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बरसात से कई मकान धराशायी हो गए। यहां पर सेना के जवान लोगों की लगातार सहायता कर रहे हैं और घर बनाने में उनका सहयोग कर रहे हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के माइकोलिव शहर की 2 यूनिवर्सिटीज को तबाह कर दिया। यूनिवर्सिटी को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक 10 मिसाइलें छोड़ी, जिसमें यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाकों में तेज धमाके सुने और धुएं का गुबार उठा। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है। यूक्रेन के डोनेट्स ओब्लास्ट में रूसी सेना ने गोलीबारी की। इस हमले में 7 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में फैले मंकीपॉक्स वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है। केरल के कोल्लम जिले में देश का पहला मंकीपॉक्स केस सामने आया। मरीज हाल ही में यूएई से केरल लौटा था। भारत में कोरोना के मामलों की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से देश में 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 20,044 नए कोविड मामले सामने आए, तो वहीं 56 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहां पर 3,067 नए कोरोना के मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल के बाद सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आए। यहां पर कोरोना के 2,979 नए कोरोना के संक्रमित मिले। महाराष्ट्र में भी लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। यहां पर 2,371 नए कोरोना के मामले सामने आए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक शख्स पर फायरिंग करने का मामला सामने आया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 4 नाबालिगों को पकड़ा। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। सावन के साथ ही कांवड़ यात्राओं का दौर भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले के इनपुट के बाद गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। सऊदी क्राउन प्रिंस से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिकी संसद ने भारत को उन प्रतिबंधों में छूट दिए जाने का समर्थन किया, जो कि रूस में S-400 ड्रील के बाद लगाए गए हैं। संसद का कहना है कि चीन के साथ लड़ाई में हमें भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। सांसद बोले, चीन से लोहा ले रहे भारत का समर्थन जरूरी। 18 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस दौरान सरकार की ओर से 24 नए बिलों को पेश करने का प्रस्ताव है। सहकारिता क्षेत्र में सुधार और डिजिटल मीडिया से जुड़े अहम बिल भी हो सकते हैं शामिल। जयपुर के JECC में विधिक सेवा पर 2 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री रिजिजू और CJI एनवी रमन्ना ने किया संबोधित। मुख्यमंत्री गहलोत ने वकीलों की महंगी फीस को लेकर जताई चिंता, तो देश के हालातों को लेकर मोदी से फिर की शांति की अपील। उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड मामला, NIA ने 3 आरोपियों को किया कोर्ट में पेश। अदालत ने मोहम्मद गौज, रियाज अत्तारी और फरहाद शेख को भी भेजा जेल। रिपैकेज खाद्य पदार्थों पर 5% GST लगाने का विरोध। देशभर में खाद्य व्यापारियों की हड़ताल। प्रदेश की 247 कृषि उपज मंडियां बंद। दाल, चावल और आटा मिलों पर भी लटके ताले। महाराष्ट्र के नए CM एकनाथ शिंदे ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने का फैसला किया गया। दौसा के महवा में टीकाराम पालीवाल स्कूल में मिशनारी का किया आगाज। छात्र छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी और साथ ही बाल अधिनियम पॉक्सो एक्ट के प्रति किया जागरूक। बारा में गर्भवती महिलाओं की जांच और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5 ममता एक्सप्रेस वाहन दिए गए। जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया।
झालावाड़ के बकानी में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। शिक्षिका के मकान से 30,000 रुपए और आभूषण चुरा कर ले गए चोर। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। झुंझुनू की खेतड़ी में प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर नगर पालिका की तैयारियां जारी। गरीब लोगों को दिए जाएंगे निःशुल्क पट्टे। पालिका अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए दिशा निर्देश। पूजा के बपावर में सरपंच रविंद्र गुप्ता ने महात्मा गांधी राजकीय स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल से सरपंच की तनातनी हुई। ग्रामीणों ने शिक्षकों पर समय से स्कूल नहीं आने का आरोप लगाया। बौली के एक निजी कॉलेज में छात्र पर चाकू से हमला। कॉलेज परिसर में बाइक ले जाने से रोकने पर किया हमला। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। छात्र को इलाज के लिए करवाया अस्पताल में एडमिट। बारा के शाहबाद में नया सवेरा अभियान का आयोजन। गर्भवती महिलाओं को लोहे की कड़ाही की गई वितरित। कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने महिलाओं को किया संबोधित। कहा कुपोषण से मुक्ति के लिए जागरूकता जरूरी। नागौर के मेटा सिटी में प्रशासन शहरों के संग अभियान आयोजित किया गया, जिसमें पट्टे वितरित करने के साथ ही पानी के कनेक्शन भी दिए गए। एसडीएम पूरन कुमार सेन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। करौली के कोंडर में खेत में काम करते समय हुआ हादसा। कुएं में लगी मोटर से करंट लगने से किसान की मौत। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बिजली फॉल्ट से अव्यवस्था। टॉर्च की रोशनी से कार्य करने पड़ रहे कार्मिकों को। बिजली नहीं होने से ऑनलाइन काम में आई रुकावट। मरीजों और कार्मिकों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। नागौर के मेटा सिटी में पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल थानवी ने पेश की मानवता की मिसाल। पश्चिम बंगाल के मृतक व्यक्ति का हिंदू रीति रिवाज से करवाया अंतिम संस्कार। शव को पश्चिम बंगाल ले जाने में असमर्थ थी पत्नी। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 2 में आवारा पशुओं ने मचाया आतंक। कई दफा हादसों का शिकार हो चुके हैं लोग। नगर निगम को कई बार करवाया अवगत। नगर निगम की तरफ से नहीं हुई कोई भी ठोस कार्रवाई। नागौर के परबत्सर में जमकर हुई बरसात। सड़कों पर जलभराव से आमजन हुए परेशान। दुकानों में पानी घुसने से किराने का सामान हुआ खराब। पिरजी नाका बांध में पानी की आवक हुई शुरू। झुंझुनू के मंदावा में स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ आयोजित। परीक्षा में अव्वल रही छात्राओं को किया सम्मानित। पूर्व पालिका अध्यक्ष और संस्था प्रधान की अध्यक्षता में पुरस्कार किए गए वितरित। विशिष्ट अतिथि के तौर पर चेयरमैन नरेश कुमार रहे उपस्थित। गोपालगढ़ में कोरोना वैक्सीन का महामेगा शिविर कार्यक्रम आयोजित। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिलीप चौधरी की अगुवाई में कार्यक्रम आयोजित किया गया। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाई गई बूस्टर डोज। पाली के देसूरी में ग्राम पंचायत बडौद में मनरेगा के तहत हुए विकास कार्य की खुली पोल। 29 लाख की स्वीकृति से मॉडल तालाब का हुआ निर्माण। पहली ही बारिश में 20 फीट टूट कर बह गई दीवार। ग्रामीणों ने रोष जताते हुए ग्राम पंचायत पर जांच की मांग की। लाडनू के बिडासरी ग्राम पंचायत में सीसी रोड निर्माण पर लगी रोक। विकास अधिकारी ने शिकायत के चलते जांच कमेटी गठित कर निर्माण पर लगाई रोक। ग्रामीणों ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर लगाया मिलीभगत का आरोप। झुंझुनू के इस्लाम नगर में ससुराल पक्ष ने की महिला के साथ मारपीट। नुकीले हथियारों से किया हमला। महिला ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। नागौर के परबत्सर में नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने किया हंगामा। नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ पर लगाए मनमानी के आरोप। पाली के महाराणा प्रताप चौराहे के पास पानी के टांके में मिला अज्ञात महिला का शव। पुलिस थाना प्रभारी निर्मा विश्नोई मौके पर पहुंचे। महिला की शिनाख्त के प्रयास जारी। नागौर के नियामडी में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की। गोचर भूमि से हटवाया गया अतिक्रमण। विकास अधिकारी भागीरथ सिंह राठौर सहित अन्य अधिकारी रहे उपस्थित। प्रतापगढ़ में 7 दिनों से हो रही लगातार बारिश। जलभराव से आमजन हो रहा परेशान। तो वहीं जाखमबाग में पानी की आवक हुई शुरू। जाखमबाग में 52 फीसदी तो हमलाबाद में 30 फीसदी पानी हुआ दर्ज। अलवर के राजगढ़ में 11,000 केवी की बिजली लाइन टूटने से हुआ हादसा। ढाबे पर खड़ी युवक की गंभीर रूप से झुलसने से हुई मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। नादवारा के उलपुरा गांव में पैंथर पशु बाड़े में घुसा। ग्रामीणों ने पैंथर को बाड़े में किया बंद। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर का किया रेस्क्यू। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। 5 बच्चों की मां ने घर में साड़ी से फंदा लगाकर की जीवन लीला समाप्त। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जोधपुर के भोपालगढ़ में चावल दाल आटे में 5% जीएसटी लगने से व्यापारियों में रोष। भाव की बढ़ोतरी को लेकर ग्राहक चिंतित। दुकानदारों ने जीएसटी लगाने के फैसले का किया विरोध।
हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कृषि विभाग कार्यालय से जागरूकता रथ रवाना। सभी गांवों में किसानों को बीमा योजना की देगा जानकारी। कृषि अधिकारी राजपाल सिंह ने दी जानकारी। चित्तौड़गढ़ में रेलवे ट्रैक पर बालगाड़ी के चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे जीआरपी थाना पुलिस। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भेजा। कोटा में एक शातिर ठग गिरोह इन दोनों बुजुर्गों को निशाना बना रहा है। नयापुरा बस स्टैंड के पास बस का इंतजार कर रही एक बुजुर्ग महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया। दो ठगों ने बुजुर्ग महिला को बातों में उलझाया और उनकी सोने की बालियां खुलवाकर फरार हो गए। उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में संभागीय आयुक्त भट्ट ने फ्लैगशिप योजनाओं और विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सीकर के नीमका थाना इलाके में एक युवक के सामूहिक कुकर्म का मामला सामने आया। इसको लेकर के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने 2 घंटे रोड पर जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं पुलिस ने लोगों को जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। हनुमानगढ़ के बिरानी में हथियार के बल पर लूट के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 4 में से 1 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो वहीं 3 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। हनुमानगढ़ में बाइक चोरी की वारदात का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 आरोपियों से पूछताछ कर न्यायालय में किया पेश। आरोपियों के कब्जे से 5 बाइक की गई बरामद। सीकर में जीएसटी के विरोध में अनाज मंडी बंद रही, इससे व्यापार हुआ प्रभावित। मंडी बंद होने से आमजन को भी हुई काफी परेशानी। राजस्थान खाद्य व्यापार संघ की ओर से किया गया था बंद का आह्वान। सवाईमाधोपुर के बौली में शालिग्राम मंदिर निर्माण विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। मंदिर निर्माण के दौरान उपजे तनाव को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय बौली पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने एसडीएम बद्रीनारायण मीणा को ज्ञापन भी सौंपा। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने सोने मकान में चोरी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की। पूछताछ में खुलासे के बाद पुलिस ने चोरी के आभूषण खरीदने वाले दुकानदार को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में मरीजों के परिजनों की जेब कटने के मामले सामने आ रहे हैं। चिकित्सालय में महिला की जेब कटने के मामले में लोगों ने व्यक्ति को पकड़ लिया, उसके बाद उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया।